Today I want to continue what I taught last week. पिछले सप्ताह जो बातें कही हैं वो इन्हीं वचनों को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ. Let's start. Fathers are not born, but they are made. और पिताओं का जन्म नहीं होता बल्कि उनको बनाया जाता है. No one is born as a father. कोई भी एक पिता तौर पर नहीं जन्म लेता. We are born as sinners. हम पापी बनकर जन्म लेते हैं. Please understand, no one is born with love. We are born with selfishness. और कोई भी प्रेम के साथ जन्म नहीं लेता बल्कि बहुत ही स्वार्थता के साथ वो इंसान जन्म लेता है. Yes, that's why many people they continue to be babies, continue to be selfish, continue to be fools, because we are born like that. और इसी कारण कई सारे लोग वो अपने जीवन में आगे बड़े होते ही हुए भी वो बच्चे के समान व्यवहार करते हैं, वो स्वार्थी बनते रहते हैं क्योंकि वो अभी भी वो बच्चे ही हैं. बेबीज आर फूल्स. और छोटे बच्चे जो है वो मूर्ख रहते हैं. एंड अ रॉड टेक्स द फूलिशनेस आउट ऑफ द बेबी. और एक सोटी ही उनके मूर्खता को उनसे दूर करती है. मेनी पीपल दे डोंट लूज देयर बेबीहुड, दे कंटिन्यू टू बी बेबीज बट दे आर एडल्ट्स. और कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने वो बालकपन को वो छोड़ नहीं पाते, वो वैसे ही बड़े हो जाते हैं. दे विल बी पनिश्ड और उनको दंड मिलेगा ही. सो दे विल ब्लेम समबडी और गॉड और व्हाटएवर, बट दे विल बी पनिश्ड बिकॉज़ दे आर बेबीज इन देयर लाइफ. और वो किसी ना किसी को दोष लगाते हैं, या तो दूसरे लोगों को या परमेश्वर को, लेकिन उनको दंड मिलता ही है. Fatherhood is learned. तो पिता बनना जो है ये सीखते हैं हम. You need to learn to be a father. आपको सीखना होगा किस प्रकार पिता बने. You can learn to be a father from an existing father. और आप एक पिता जो पहले से बने हुए हैं उनसे सीख सकते हो किस प्रकार पिता बने. So you should identify the father. तो आपको उन पिताओं को पहचानना है. Sit under their anointing. और उनके अभिषेक के अधीन बैठना है. Then you will be a father. फिर आप पिता बन सकते हो. Fathers are made by God to be a blessing to a family, to a community, to a nation. और पिताओं को परमेश्वर बनाता है ताकि वो आशीष का कारण बने एक परिवार के लिए, एक समूह के लिए और एक देश के लिए. Through a father, God blesses the children. और एक पिता के द्वारा ही परमेश्वर उनके संतानों को आशीष देता है. But the supreme purpose of giving you a father is to make you a father. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो आपको पिता दिया गया है वो इसी कारण है कि आप भी पिता बन पाए. Because fathers always know what we don't know. क्योंकि पिता हमेशा जानते हैं जो बातें हम नहीं जानते. Let's turn to 1 John chapter 2 verse 12. पहला यूहन्ना 2:12 को देखेंगे. It says, I write to you fathers because you have known him who is from the beginning. मैं तुमको लिखता हूं पिताओं क्योंकि तुम जानते हो जो पहले से हैं. Many young boys and girls they don't like their fathers. और बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो अपने पिताओं को पसंद नहीं करते. Okay, they some people have the sickness. I also had when I was young. और ये बीमारी कई लोगों को होती है. जब मैं जवान था मुझ में भी ये थी. But I am teaching all these things so that you guys, you girls have a good relationship with the existing fathers. लेकिन ये बातें मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आपके बीच जो पिताएं हैं उनको आप पहचान पाए और उनसे सही रिश्ता रख सके. The next word was 14 again says, I write to you fathers because you have known him who is from the beginning. और 14वें वचन में फिर से लिखा है पिताओं मैं तुमसे लिखता हूं तो क्योंकि तुम आदि से तुम जानते हो कि जो आदि से है उसे तुम जान गए हो. So the fathers basically know who the everlasting father. तो जो पिता है वो पहले से जानते हैं वो उस अनंत काल के पिता को. So the number one character or the qualification of a father is he knows God first. तो सबसे बड़ा गुण या एक एक चरित्र जो एक एक पिता में होना चाहिए वो यही है कि वो पिता परमेश्वर को जानता है पहले. I need to clarify this. और इसे साफ मैं आपको बताना चाहता हूँ. We all know something about God. हम परमेश्वर के विषय कुछ ना कुछ तो हम सब जानते हैं. And some of you leaders, you will know little more about God. और शायद से अगर आप एक अगुवे हो तो आपको शायद और कुछ ज्यादा मालूम होगा परमेश्वर के बारे में. It's not knowing God. और ये परमेश्वर के बारे में मालूम होना ये नहीं. What you know, जिस विषय को आप जानते हो, into your father. जो बातें आप जानते हो वो आपको परिवर्तित करे एक पिता में. It's not knowing the father.
परमेश्वर को जानना ये नहीं है, इट्स बिकमिंग द फादर, ये पिता बन जाना, यही बात सत्य है। माय फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड, इस बात को आप समझे दोस्तों। नोइंग, मेनी पीपल नो लॉट्स, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को जानते हैं। ऑल दोस गाइस, और वो सारे लोग हु वर इन द स्कूल ऑफ एलाइजा, दे न्यू लॉट ऑफ थिंग्स। वो एलाइजा के जो स्कूल में थे वो सारे बहुत सारी बातों को जानते थे। None of them became an Elijah in their life. लेकिन वो अपने जीवन में एक एलाइजा वो फिर से नहीं बन पाए। Please understand this. इस बात को समझे आप। It is not what you know. आप क्या बातें जानते हो इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है। Definitely what you know is good. That is step one. और जो बातें आप जानते हो निश्चित तौर पे ये अच्छी बात है, ये पहला कदम है। But that has to change. लेकिन वो बातें आपको परिवर्तित करे। All Indians know सत्यमेव जयते। सारे भारतीय जानते हैं सत्यमेव जयते। Motto of this country. हमारे देश का मेन मुख्य उद्देश्य ही है। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। किसको मालूम नहीं? पर किसको किसको देखा है सत्य बोलने वाला? कोई है क्या? यदि है तो भी तुम मजाक करेगा उसको। एक आदमी झूठ नहीं बोलेगा, तुम क्या उसको उसको तारीफ करेगा? एक क्लासरूम में है, एक लड़का कॉपी नहीं करता है, तुम लोग क्या करेगा? मजाक, उसको मजाक जो उल्लू बनाएगा, उसको बेवकूफ बनाएंगे आप लोग। हमारा देश की स्वभाव है, इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट इज हु यू आर मेक्स द डिफरेंस। और आप क्या बातें जानते हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप किस बातों में आप परिवर्तित होते हो, आप कौन बन गए हो उस विषय में, ये बातें मुख्य है। एक लड़की के पास बॉयफ्रेंड नहीं है, आप सारी लड़की उसका तारीफ करेंगे, उसको उल्लू बनाएंगे, उसको मजाक करेंगे, बोलेंगे तुम्हारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास आदमी नहीं आता है, ऐसा बोलेंगे। हमारे लोग तो एक्सपर्ट है इसमें। एक लड़की मेरे पास आई, सर मेरे पास क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे लोग बोलते हैं मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, इसके वजह से मुझ में कुछ कमी है। देखो सीधा लोग को टेढ़ा बनाते हैं, टेढ़ा लोग को सीधा बनाते हैं, टेढ़ा लोग को लीडर बनाते हैं, मर्डर को लीडर बनाते हैं। You need to be a voice. Tell your neighbor, you need to be a voice. आपको एक बुलंद आवाज बनना है, अपने पड़ोसी से कहे तुम एक बुलंद आवाज बनना। You can't go with the majority. आप जो अधिकतर लोग हैं उनके साथ ही ना जुड़ जाए, वो क्या कह रहे हैं? You will go with the word of God. आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे। You will go with God. आप परमेश्वर के साथ चलोगे। You will go with the God's word. आप परमेश्वर के वचन के साथ चलोगे। Because God's word will stand. Every test. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हर एक परीक्षा में वो खड़ा रह पाता है। The greatest thing which ever happened on this earth is what? और सबसे बड़ी बात जो इस पृथ्वी में कभी भी घटी है वो क्या थी? Jesus Christ. यीशु मसीह। When Jesus Christ came, you know what he told people? जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया तो आप क्या जानते हो कि उन्होंने लोगों से क्या कहा? That is the greatest knowledge he gave us. सबसे बड़ा ज्ञान था ये जो उन्होंने बताया। He told everybody, hey, God is not God. और उन्होंने सबसे कहा कि परमेश्वर केवल परमेश्वर नहीं है, he's a father. वो एक पिता है। In no way you, nobody will tell you all this. और ये सारी बातें कोई भी आपको कभी भी नहीं बताएगा। सारे गुरु लोग बोलेंगे मैं होली हूं, पवित्र हूं। कुछ गुरु लोग ऐसा है, नो आई एम नॉट होली, आई एम होली होली ऐसा बोले। और भी कैटेगरी है, वो बोलेगा होलीएस्ट ऑफ होली होली होली। ये क्या कहेगा? मैं ही पवित्र पवित्र सबसे पवित्र हूं, ये क्या सिखाएगा? Let us not waste our time. हम अपना समय बर्बाद ना करें। Greatest revelation. सबसे बड़ा प्रकाशन was given by Jesus Christ. यीशु मसीह ने दिया है। And the revelation was God is a father. और वो प्रकाशन था कि परमेश्वर पिता है। सब लोग को कुछ लोग को ऐसा गुरु ना अच्छा लगता है, टोपी पहन के फैंसी ड्रेस डाल के अच्छा लगता है, hey, उसके पास कुछ होगा।
The greatest revelation mankind ever got is God is a father. और सबसे बड़ा प्रकाशन जब मनुष्य को कभी भी मिला वो यही था कि परमेश्वर एक पिता है. Yeah. Let us see what Jesus said. Let's turn to John 14:6. यूहन्ना 14वां अध्याय 6वां वचन. John 14:6. Can we all read it? हम सब क्या साथ में पढ़ेंगे? Many people don't notice these things properly. Okay. Let's read it together. हम इसे साथ पढ़ेंगे. Jesus said to him, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Can we read it again? फिर से हम इसे पढ़ेंगे. I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus said, I am the way, the truth and the life. यीशु ने ये बातें कही कि मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं. If Jesus is the way has to go somewhere. अगर यीशु ही मार्ग है वो मार्ग कहीं तो आपको लेकर जाना चाहिए. ये रोड किधर जाएगा ना? ये किधर भी नहीं जाएगा, वो रोड में आप जाएगा. तो यीशु कौन है? एक मार्ग है. अरे बोल, यीशु कौन है? एक मार्ग है. क्या मार्ग है? सच्चा मार्ग है, ट्रूथ. क्या मार्ग है? जीवन वाला मार्ग है. वो मार्ग किधर जाता है? वेयर जीसस क्राइस्ट टेक्स यू. यीशु मसीह आपको कहां ले जाता है? मेनी पीपल स्टॉप विद जीसस क्राइस्ट. और बहुत से लोग यीशु के पास आके रुक जाते हैं. बट वी शुड अंडरस्टैंड जीसस क्राइस्ट इज द वे. लेकिन हमें समझना है कि यीशु मसीह वो मार्ग है. इन दैट वे इफ यू गो वेयर यू विल रीच. उस रास्ते पर जब आप चलते हो तो आप कहां पहुंचोगे? Where you will reach? कहां पहुंचोगे आप? You will reach the Father. आप पिता परमेश्वर के पास पहुंचते हो. My friends, definitely Jesus is a good way, truthful way, way of life, but it reaches the Father. So it is important that we go and reach the Father. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यीशु के द्वारा हम पिता परमेश्वर के पास पहुंच पाए. We need to reach the Father. Unless we reach the Father, we won't become a father. जब तक हम पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते तब तक हम कुछ नहीं आ सकल. Definitely, my friends, it's good that we know Jesus, but it is a very important thing that we know the Father. ये बहुत अच्छी बात है कि हम यीशु को जानते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पिता परमेश्वर को जान पाए. See, many of us, we find Jesus very helpful. और हम में से कईयों को यीशु बहुत मददगार हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा मदद करते हैं. Many of us, we settle with Jesus Christ. और उसी से हम बहुत तृप्त होकर हम बैठ जाते हैं. Okay, he forgives my sin. He say all the time, I can say sorry. He says yes. और हमें वो हमारे पापों को क्षमा करता है. हमेशा हम माफी मांग सकते हैं और वो हमें क्षमा कर देता भी है. But that is how a child thinks and behaves. और लेकिन इसी प्रकार एक बालक व्यवहार करता है और सोचता भी है. Yes, but God wants you to not to be a child, but to be a youth and to be a father. लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप केवल एक बालक बने रहे, बल्कि जवान बने और एक पिता बन जाएं. Today I want to say a few things about our father. मैं आज कुछ बातें हमारे पिता के बारे में बताना चाहता हूँ. Many of us, we don't know how father behaves. और हमें से कई ये नहीं जानते कि पिता परमेश्वर किस प्रकार वो बर्ताव करते हैं. Unless you know the father, you can't reflect. To be a father. और जब तक आप पिता परमेश्वर को नहीं जानोगे तब तक आप उनको समझकर आप स्वयं पिता नहीं बन पाओगे. Father God is the standard of many things. और पिता परमेश्वर कई बातों के लिए सबसे मूल स्टैंडर्ड है. So if you are, how many fathers are in town? और कितने पिताएं यहां पर हैं? Yeah. So you need to be like this. तो आपको इसी प्रकार बनना है. How many mothers are in town? कितनी माताएं यहाँ बैठी हैं? Very important. ये बहुत महत्वपूर्ण. Position of a father or a mother need to follow these. और जो भी एक माता या पिता के स्थान पर है, आपको इसी प्रकार बनना है. Yeah. Let's turn to He is a standard. Father God is a standard. और यहाँ पर एक standard हमें दिया गया है. पिता परमेश्वर जो है, वो एक उच्च standard है. He is a benchmark. He is the benchmark of life. और हमारे लिए वो ऐसा एक स्थान है जो उसी के समान हमें बनना है. So if you are a father, if you are a mother, or if you are a young person who aspires to be a father or a mother, you need to follow these things. अगर आप एक पिता है या माँ है, या आप कोई जवान व्यक्ति है जो एक पिता या माँ बनने वाले हैं, तो आपको इस प्रकार इसके पीछे चलना है. Because to be a father is
the greatest success of your life. क्योंकि एक पिता बन जाना ये आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी. It changes the way you think. जिस प्रकार आप सोचते हैं उसे ये बदल देता है. It changes the way you react. जिस प्रकार आप प्रतिक्रिया करते हैं उसे ये बदल देता है. And you behave like a father. और आप एक पिता के समान बर्ताव करना शुरू करते हैं. Yeah. Let's turn to Matthew chapter 5 verse 48. मत्ती 5 48वां वचन को देखेंगे. Can we read it together? इसे हम साथ पढ़ेंगे. Therefore you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. So Father God is a God of perfection. तो पिता परमेश्वर सिद्धता का एक परमेश्वर है. Perfection. सिद्धता का परमेश्वर. Perfect. Many people they dress perfectly. और बहुत से लोग ऐसे वस्त्र बहुत ही उत्तमता से वो वस्त्र धारण करते हैं. They behave perfectly. They look at their office table. It's perfect. और उनके ऑफिस के टेबल को देखे या उनके बर्ताव को देखे वो एकदम सिद्धता के साथ उत्तमता के साथ वो बर्ताव करते हैं. What is perfection according to God? तो पिता परमेश्वर के हिसाब से ये सिद्धता क्या है? Let us read little above 5:45. और उसके 45वें वचन को देखेंगे. That you may be the sons of your Father in heaven, that he makes his sun rise on evil and on the good, and sends rest on the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? If you greet your brothers only, what do you do more than the others? Do not even the tax collectors do so? Verse 5:48. Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. It says that you need to increase in your love to be perfect. और यहां पर लिखा है कि उत्तमता या सिद्धता तक पहुंचने के लिए आपको अपने प्रेम में बढ़ना होगा. The basic quality of a father is to love. और सबसे मूल जो गुण एक पिता में होना चाहिए वो है प्रेम. Not to judge. उसको हमें दोषी ठहराना नहीं. Today we have lot of people to judge each other. आज बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को दोषी ठहरा सकते हैं. Many people are watching each other. और बहुत से लोग ऐसे हैं. Find fault with them. बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल एक दूसरे को जांचने परखने में लगे हुए हैं. But the Bible encourages you. Be perfect. लेकिन बाइबल ये हमें प्रोत्साहित करता है ये कहकर कि तुम सिद्ध बनो. Tell your neighbor, be perfect. तुम अपने पड़ोसी से कहो कि तुम सिद्ध बनो. Be perfect. तुम सिद्ध बनो. What is perfection? और ये सिद्धता का अर्थ क्या है? Perfection is to love people. और ये सिद्धता का अर्थ है कि आप लोगों से प्रेम करें. Who don't deserve it? और जो योग्य भी नहीं है उनसे प्रेम करें. Will you love people who don't deserve it? क्या तुम ऐसे लोगों से प्रेम कर पाओगे जो उसके लायक भी नहीं है? Today people are not ready to love. आज लोग प्रेम करने के लिए तैयार नहीं है. They are ready to judge. वो दोषी ठहराने के लिए वो तैयार है. They are not ready to appreciate. वो किसी की तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है. They are ready to dismantle them, discourage them, talk evil of them. वो उनको तोड़ फाड़ कर उनके बारे में बुरे बातें करने के लिए तैयार है. उनको निराश करने के लिए तैयार है. But my friends, लेकिन दोस्तों, but our scriptures is saying, let us be as perfect as God himself. लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हम जिस प्रकार पिता परमेश्वर सिद्ध है उसी प्रकार हम भी सिद्ध बन जाए. Can we read one word? एक और वचन हम पढ़ेंगे. Luke chapter 6. लूका 6वां अध्याय. Verse 35. और 35वां वचन. But love your enemies, do good and lend, hoping for nothing in return, and your reward will be great. And you will be the sons of Most High, for He is kind to the unthankful and the evil. वरना अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है. He is kind to the unthankful and evil.
और जो लोग धन्यवाद नहीं करते और जो बुरे हैं उन पर भी वो कृपालु है. पीपल कम एंड रिसीव सम हेल्प फ्रॉम यू. आपसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और आपसे कोई मदद लेकर जाते हैं. When they go, they go only. No patta. और जब वहां से वो निकलते हैं वो चले ही जाते हैं फिर कोई उनकी खबर नहीं. फिर 5 साल के बाद फिर दूसरा पेटिशन लेके आता है. Will you be kind to him? क्या आप उनके प्रति दयालु होंगे? हाँ, उसको सिखाएंगे ना. हाँ, तुरंत हम सिखाएं. But God, He is kind. लेकिन परमेश्वर कृपालु है. To the unthankful. जो धन्यवाद नहीं मानते उनके प्रति भी. The greatest learning is to be a father. सबसे बड़ी एक सीख वो एक पिता बनने में है. I as a father has learned to love the people who are unthankful. और मैं एक पिता होने के नाते मैंने सीखा है कि उन लोगों से मैं प्रेम कर पाऊं जो कभी धन्यवाद नहीं मानते. See, preaching a message is very easy. और एक संदेश का प्रचार करना तो आसान पड़ता है. Teaching Bible is very easy. बाइबल सिखाना भी बहुत आसान पड़ता है. You teach with your knowledge, you teach with your anointing, you teach with what you heard. अरे, we can. और आप अपने ज्ञान से प्रचार कर सकते हो, अपने अभिषेक से प्रचार कर सकते हो, जो बातें आप जानते हो उससे आप प्रचार तो कर सकते हो. Reflecting God is very tough. लेकिन पर पिता परमेश्वर को दर्शाना ये बहुत मुश्किल है. So I really thank God for giving so many people in my life. और इसे मैं परमेश्वर को सचमुच धन्यवाद मानता हूं कि परमेश्वर ने इतने सारे लोगों को मेरे जीवन में दिया है. It is an opportunity, I think, because I can love every one of. क्योंकि ये एक मौका है मेरे जीवन में ताकि मैं सभी लोगों से एक समान प्रेम कर पाऊं. So I have loved every one of. तो मैंने आप में से हर एक से प्रेम किया है. Okay, I have not troubled any one of you. मैंने आप में से किसी को भी कोई परेशान नहीं, मैंने कभी नहीं किया है. I may have scolded you on your face. आपके मुंह पर शायद मैंने आपको डांटा होगा. But I will never ever trouble anyone. लेकिन आप में से किसी को भी मैं परेशान नहीं करूंगा. I have helped all the families. और सारे परिवारों के साथ मैं हूँ. I have stretched myself. I have actually stretched my family to help all of you. और मैंने अपने आप को वहाँ खींचा मरोड़ा है, अपने परिवार को भी खींचा है आप सभी के लिए. Let me tell you one thing. एक बात मैं आपसे कहूंगा. Your life is to be stretched to help someone. आपकी जिंदगी आपको दी गई ताकि आप ये खिंचाव महसूस करें किसी अन्य व्यक्ति के लिए. You need not be a pastor to do that. एक पासबान होने की जरूरत नहीं कि आप इससे दौर गुजरे. Wherever you are, चाहे आप stretch yourself. आप कहीं पे भी क्यों ना हो, आप अपने आप को इस खिंचाव से लेकर जा सकते हो ताकि दूसरों की मदद हो. It's very simple. ये बहुत सरल है. Of course, when I say I include my wife. और जब मैं कहता हूँ मैं खुद, तो वो अपने पत्नी को भी उसके साथ जोड़ते हैं. Because without her cooperation, I cannot do many. क्योंकि अगर वो साथ नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. Okay, please understand this. इस बात को आप समझें. You need to be kind to the unthankful and the evil. आपको कृपालु बनना है उन लोगों से जो आपका धन्यवाद नहीं मानते और जो बुरे भी हैं. All the time we behave like as if we are righteous judges. और हमेशा हम ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि मान लो बड़े धर्मी हम न्यायाधीश हैं. That is not expected of you. और आपसे ये अपेक्षा नहीं है. Jesus Christ has said, "Be perfect." As your father in heaven is perfect. और यीशु ने कहा कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा पिता परमेश्वर सिद्ध बना है. You need to be kind to people who take to who hoodwink you, who take advantage of you. आपको उनसे उनके प्रति दयालु बनना है जो आपका फायदा उठाते हैं. Knowing they are taking advantage. You have to be kind and loving to them. इस बात को जानकर कि वो आपका फायदा उठा रहे हैं, ये जानकर आप उनके प्रति दयालु बने. That is perfection. यही सिद्धता है. That makes you your father. यही आपको पिता बनाता है. Today this earth needs fathers. आज इस पृथ्वी को पिताओं की जरूरत है. There are so many elder brothers. कितने सारे बड़े भाई हैं. Churches are full of elder brothers. कलीसियाओं में बड़े भाई भरे हुए हैं. But churches need to be full of fathers. लेकिन कलीसियाओं में पिताओं को भरना है. The society need to be full of fathers. ये समूह में पिताओं से भरना है. Mothers. माताओं से भरना है. Who will be kind. जो दयालु बने. To the unthankful. और जो धन्यवाद नहीं मानते या वो कृपालु, वो ऐसे बुरे लोगों से आपको कृपालु बनना है. Are you learning something? क्या आप कुछ बातें सीख रहे हो? Tell your neighbor, I am learning. अपने पड़ोसी से कहो मैं कुछ बातें सीख रहा हूँ.
Let's turn to James chapter 1 verse 17. याकूब 1:17 को देखेंगे. James chapter 1 verse 17. याकूब 1:17. Can we read it together? क्या हम इसे साथ मिलकर पढ़ेंगे? Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or a shadow of turning. Who is a father? एक पिता कौन है? There is no variation. और इसमें कोई बदलाव नहीं है. There is no shadow of turning. और इसमें कोई ऐसी छाया उस पे नहीं पड़ती है मुड़ने की. Many people talk anything. कई लोग कुछ भी बातें करते हैं. They behave anything. कैसे भी बर्ताव करते हैं. When you talk one in the front, one in the back. वो सामने कुछ कहते हैं, पीठ के पीछे कुछ कहते हैं. But what is a father? लेकिन एक पिता कौन है? There is no variation. इसमें कोई बदलाव नहीं होता. There is no shadow of turning. और कोई मुड़ने का छाया भी नहीं दिखता उसमें. Look at the character of a personality. इस व्यक्तित्व के चरित्र को आप देखें. He stands for a principle. वो एक सिद्धांत के लिए खड़ा रहता है. Today many of us, you know, we promise something and in the middle we change our mind. और हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो हम कुछ बातें वायदे करते हैं लेकिन बीच में ही हम अपने मन को बदल लेते हैं. Let's turn to Psalm 15. भजन संहिता 15 को देखें. Psalm 15. भजन संहिता 15. Yeah. Verse 4. चौथा वचन. Let me read from verse 1. पहले वचन से हम पढ़ेंगे. It talks about the father. ये एक पिता के बारे में लिखा है. Can we read it together? Verse क्या 1. हम इसे साथ पढ़ेंगे पहले वचन से? हिंदी पुस्तक, हिंदी बाइबल कैन रीड इन हिंदी आल्सो. आपके पास हिंदी बाइबल है, आप हिंदी में पढ़े. मराठी कैन रीड मराठी. मराठी भाषा में या कोंकणी भाषा में आप पढ़े. गॉड्स लैंग्वेज, प्लीज टॉक. सब परमेश्वर की भाषाएं हैं, आप उसमें पढ़े. वर्स वन, पहले वचन से. लॉर्ड, हू मे अबाइड इन योर टैबरनाकल, हू मे ड्वेल इन योर होली हिल. He who walks uprightly, works righteousness, speaks the truth in his heart. Verse 3. He who does not backbite with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend. Verse 4. In whose eyes a vile person is despised, but he honors those who fear the Lord. He who swears to his own hurt and does not change. 5. He who does not put his money at usury, nor does he take a bribe against the innocent. He who does these things shall never be moved. He is a father. He will never be moved. वो एक पिता है, वो कभी डगमगाएगा नहीं. You want to be moved, never be moved, stable, huh? क्या आप ऐसे स्थिर बनना चाहते हो, ना डगमगाए ऐसा चाहते हो? People want stable life. बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका जीवन में एक स्थिरता उन्हें मिले, एक स्थिर नौकरी. Become stable, then you will get stable life. आप पहले स्थिर बन जाएं, फिर आपको एक स्थिरता की नौकरी मिलती है. I tell your neighbor, you become stable first. और आपने पड़ोसी से कहे, तुम पहले स्थिर बन जाओ. तो लोग ऐसा लोग है हमारा कलीसिया में, एक बोलते हैं, after some time they realize, oh my, क्या हुआ, they change. वो बदल लेते हैं. सुबह एक बात बोलते हैं, शाम को एक बात बोलते हैं. They change. वो बदल जाते हैं. You know why? It is not profitable. क्योंकि उनमें कोई मुनाफा नहीं है इसीलिए. सुबह बोलते हैं, मैं इसको खरीदेगा. फिर then बोलते हैं, no, I will not buy. और फिर कहते हैं, नहीं खरीदूंगा. First they will say, I will do all this work. Then they will say, no, ये हमको, नहीं, अच्छा. पहले वो कहते हैं कि ये सारी काम मैं कर लूंगा, फिर वो सोचते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूंगा. एक लड़का आया, पास्टर यू टेल मी एवरीथिंग, आई विल बी योर सर्वेंट. पास्टर, आप जो भी आप कहोगे वो मैं करूंगा, मैं आपके एक नौकर के समान रहूंगा. यू बी माय फादर, आई विल बी योर सन. मैं, आप मेरे पिता बनकर रहो, मैं आपका पुत्र बनकर रहूंगा. सीधा मेरा बाथरूम में लेके गया उसको. इसको पहले तुम क्लीन करके मुझे ऑफिस में मिलो. वो आया नहीं मेरे ऑफिस में. Today people talk anything and they change. आज लोग कुछ भी बातें करते हैं और वो बदल जाते हैं. Especially, you know,
When it will hurt you, they will change. खास तौर पर जब वो बातें अगर आपको चोट पहुंचा सकती है तो आप बदल जाते हो. Even if it hurts you, you should not change. लेकिन अगर आपको वो चाहे वो आपको चोट पहुंचा सके लेकिन आपको बदलना नहीं है. You that is a fatherhood. यही एक पिता बनना है. So what? तो क्या हुआ? Let it be expensive. वो महंगा पड़ सकता है आपको. I will be a father. लेकिन मैं एक पिता बनूंगा. That is how fathers are made. पिता ऐसे ही बनाए जाते हैं. Fathers don't change. पिताएं बदलते नहीं हैं. Many sons don't respect the father. कई सारे बेटे ऐसे जो अपने पिता का आदर नहीं करते. Because they see their fathers changing all the time. क्योंकि वो देखते हैं कि अपना वो उनके पिता हमेशा बदलते रहते हैं. Daughters are not able to respect the fathers because they are changing all the time. वो बेटियां अपने पिताओं का आदर नहीं कर पाते क्योंकि हमेशा वो बदलते रहते हैं. झूठ बोलते हैं पिताजी. I'll tell you there was one man. उसका लड़का के सामने उसको कस्टमर को झूठ बोला. झूठ बोल के चीटिंग किया कस्टमर को. पैसा कमाया पर वो लड़का को खो दिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात? यू मे मेक मनी, आप शायद से पैसा कमा लो, बट यू लूज योर चिल्ड्रन. लेकिन अपने बच्चों को खो देते हो. व्हाट बिजनेस आर यू मेकिंग? आप कैसा व्यापार कर रहे हो? व्हाट लाइफ आर यू लिविंग? कैसे जिंदगी जी रहे हो? Because your children are watching. क्योंकि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं. Your students are watching. आपके विद्यार्थी आपको देख रहे हैं. Your people are watching. आपके लोग आपको देख रहे हैं. What are they seeing in you? वो क्या देख रहे हैं आप? Are you a mother? क्या एक आप माँ बन रहे हो? आप एक माँ है क्या? यदि आप माँ हैं, तो आपके बच्चे लोग को आप कैसा ट्रीट कर रहे हैं? I know many mothers. They love the sons. They don't love the daughters. और मैं कई माओं को जानता हूं जो अपने बेटों को बहुत प्रेम करते हैं, अपनी बेटियों को कम प्रेम करते हैं. आर दे मदर्स? क्या ये माएं हैं? दे आर अनफिट टू बी मदर्स. वो मां बनने के लायक ही नहीं है. जस्ट बिकॉज यू गिव बर्थ टू बेबीज यू डजंट मेक यू अ मदर. क्योंकि आपने बच्चों को जन्म दिया है ये आपको एक मां नहीं बनाता. फादर्स, पिताएं, दे हैव टू बी लाइक द फादर इन हेवन. आपको पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसी के समान बनना है. हाउ टू मेक मनी? कैसे पैसे कमाएं? ट्रूथ विल मेक मोर मनी देन लाइज एंड चीटिंग. सच्चाई आपको अधिक पैसा कमा के देगी ना कि झूठ या धोखाधड़ी. इन द बाइबल दे शुड हैव सेड ना, झूठ बोल तुम ऊपर आएगा. ऐसे बाइबल में क्या लिखा हुआ है? हजार जगह में लिखा है झूठ बोल तुम बाढ़ में जाएगा. You not only lose you, your business, your money, you lose your children. आप केवल अपना व्यापार अपना पैसा ही नहीं खोते हो बल्कि अपने बच्चों को भी खो देते हो. Tell your neighbor, I am learning something. अपने पड़ोसी से कहो मैं कुछ बातें सीख रहा हूं. Young people, what are you learning? जवान लोग आप क्या सीख रहे हो? किससे क्या सीख रहे? गुंडागिरी सीख रहे? One day one man came and told me, Pastor, yesterday I bet my wife. एक दिन एक आदमी आके मुझसे कहने लगा कि कल मैंने अपनी पत्नी को बहुत पीटा है. बहुत पीटा नहीं, पीटा. I don't know कितना पीटा. Okay. So I just told him police will beat you. मैंने उनसे ऐसे कहा कि पुलिस तुमको पीटेगी. Next week. अगले सप्ते आई गॉट अ फोन कॉल. एक फोन कॉल मुझे मिलता है. पास्टर, आप बहुत प्रोफेटिक हैं. पास्टर, आप बहुत भविष्यवाणी करते हैं. आप भविष्यद्वक्ता है. क्या हुआ? तुम किधर से बोल रहे हो? अभी मैं लॉकअप में हूं. क्या हुआ? सो व्हाट आई सेड, it's very interesting. Fathers don't change. पिताएं बदलते नहीं हैं. Fathers reflect the father in heaven. पिताएं जो पिता परमेश्वर स्वर्ग से हैं उसी को दर्शाते हैं. Tell your neighbor, I'm learning something. अपने पड़ोसी से कहे मैं कुछ बातें सीख रहा हूं. There is
स्टैंडर्ड और ऐसी एक स्टैंडर्ड एक मान्यता आपको बनानी पड़ेगी. फादर्स आर जेनरस और जो पिताएं हैं वो बहुत ही उदारता से व्यवहार करते हैं. वो उदारता से व्यवहार करते हैं. इट्स नॉट इन मनी एरिया और पैसों में नहीं. They are generous. वो ऐसे उदार मन के होते हैं. Let's turn to James chapter 1. याकूब पहले अध्याय को देखेंगे. Verse 5. और पांचवा वचन. Generous. वो बहुत ही उदार मन के होते हैं. Can we read it together? क्या हम इसे साथ पढ़ेंगे? याकूब 1:5. James chapter 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. He gives to all. वो सभी को देता है. आप कहे सभी को. All. सभी को. Not his favorites. वो ऐसा नहीं कि केवल उन वो जिसे पसंद करते हैं उनको. Not the only the believers. केवल विश्वासियों के लिए नहीं. He gives to all. वो सभी को देते हैं. Hey, come on, all. आप कहे सभी को. I know many of you. You think God will not answer your prayer. अब मैं आप में से कईयों को जानता हूँ. आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनने वाला. That is a wrong feeling you have. ये एक गलत बोध है जो आप में है. He gives to all. वो सभी को देता है. Liberally to all. और उदारता से देता है. The word liberal is there. और यहाँ पे उदारता के मन से लिखा है. I want to say a few things. और कुछ बातों को मैं कहना चाहूंगा. Fathers are liberal. और जो पिताएं हैं वो उदार मन के होते हैं. They are liberal. वो बहुत उदारता से व्यवहार करते हैं. Not to their children. और वो केवल अपने बच्चों से. You are very liberal to your children. मैं जानता हूं आप अपने बच्चों के प्रति बहुत उदार मन के होते हो. अरे एक ड्रेस के लिए चार ड्रेस लेके देंगे. I never buy one things for my children. मैं कुछ भी लेकर ऐसे नहीं खरीदता. They are liberal. वो उदार मन के होते हैं सभी के प्रति. I learned liberal character from Pastor Joseph. मैंने ये जो गुण है ये व्यवहार है ये मैंने पासबान योसेफ से सीखा है. I want to say one example which happened. एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा जो एक बार घटी थी. One day his car was broke, was not working. So he said, Thomas, please drop me in my house. तो एक बार उनकी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी तो उन्होंने कहा कि थॉमस क्या मुझे अपने घर मेरे घर में तुम छोड़ दोगे. Now he goes in a BMW 5 series. और वो BMW 5 series में जाते हैं. I go in a Wagon-R. मैं Wagon-R में जाता हूँ. So I immediately phoned my driver. I said, Hey, come on, you clean the car and keep it ready. Pastor Joseph is going to come. तो मैंने अपने driver. I became so scared. मैं इतना डर गया था. मैंने अपने driver से call करके कहा कि जल्दी गाड़ी साफ करके तैयार करके लेकर आओ. पासबान जोसेफ आने वाले हैं. Then he came. और फिर वो आए. I was so nervous. मैं इतना nervous था. And he sat in my car and he said, Nice car. और वो मैं गाड़ी में बैठकर बोलते ये तो अच्छी गाड़ी है. I said, Pastor, what nice car? No, very spacious. तो कहने लगे बहुत जगह है इसमें. He said like that. उन्होंने इस प्रकार कहा. Then we both were going. He was talking to me. वो हमसे बातें कर रहे थे और हम आगे बढ़ते जा रहे थे. Then he told me one thing. फिर उन्होंने मुझसे एक बात कही. See Thomas, I see something. Thomas, मैं कुछ बातों को देख पा रहा हूँ. One day one man will come. एक दिन एक व्यक्ति आएगा. And he will give you a check of 100 crores. और वो आकर तुम्हें 100 करोड़ की एक चेक आप तुमको देकर जाएगा. He won't give it willingly. He will give it unwillingly. वो बहुत ऐसे इच्छा कर नहीं देगा, लेकिन फिर भी मन को दबाकर वो देगा तुम्हें. Because he is not able to sleep, he will give you that money. क्योंकि वो सो नहीं पा रहा है, वो पैसे तुम्हें वो देकर जाएगा. I'll tell you something. मैं आपसे कुछ कहूँगा. Only a father can talk like this. केवल एक पिता ही आपसे इस प्रकार बात कर सकता है. No man can talk such sentences to a son. कोई भी व्यक्ति एक पुत्र के प्रति ऐसी बातें नहीं कर सकता. Even for a joke or a lie or something, they cannot talk these words. मजाक में भी या झूठ कहने के लिए भी ऐसे बातें वो नहीं कर पाता. This is too big for me.
ये मेरे लिए बहुत बड़ा है. Only a father who is generous can give this to a son and go. केवल एक पिता जो उदार मन का है वही ऐसी बातें कहकर बढ़ सकता है. I'll tell you something. मैं आपसे कुछ कहूंगा. A day will come. एक दिन आएगा. It will become true in my life. ये मेरे जीवन में सत्य होगी और ये घटेगी. Why? क्यों? Your father is generous. क्योंकि एक पिता उदारता से व्यवहार करता है. You need to learn generosity from a father. आपको एक पिता से उदारता सीखनी है. See, I am very generous to every one of you. मैं आप में से हर एक के प्रति बहुत उदार मन का बनता हूँ. Sometimes you come with an impossibility, I make it nice for you. और कभी ऐसा होता है कि आप एक असंभव परिस्थिति को लेकर मेरे पास आते हो, लेकिन उस परिस्थिति को मैं अच्छा कर देता हूँ. You come with 100 questions and fear, but I make it nice for you. या डर को लेकर आते हो, लेकिन मैं आपके लिए वो अच्छा बना देता हूँ. Because I want to be a father. क्योंकि मैं एक पिता बनना चाहता हूँ. Because I learned from my fathers. क्योंकि मैंने अपने पिताओं से सीखा है. I never served a father who is mean-minded. और मैंने ऐसे पिता के कभी सेवा नहीं की जो बहुत ही दुष्ट मन का था. I lived with fathers who are so broad-minded. मैंने ऐसे पिताओं के साथ मैं जिया हूं जो उनका मन बहुत बड़ा था. They themselves became fathers. वो स्वयं ही अपने मनों में वो पिता बन चुके थे. They were so generous in money. वो पैसों के विषय में इतने उदारता से व्यवहार करते थे. They gave me so much of money. और इतना अधिक पैसा उन्होंने मुझे दिया. They gave me so much of, you know, such visions of money. और इतना अधिक दर्शन उन्होंने मुझे दिया पैसों के विषय. I've served them. और मैंने उनकी सेवा की. I have learned from them. उनसे मैंने सीखा. Fathers can only teach fatherhood to you. और पिता ही आपको पिता कैसे बनना है ये सिखा सकते हैं. When you roam with cheap men, they will teach you cheap things. जब आप कम मूल्य के लोगों के साथ चलोगे तो आपका उठना बैठना रहेगा, वो ऐसे ही कम मूल्य की बातें आपको सिखाते रहेंगे. They will teach you how to trouble each other. वो आपको सिखाएंगे कैसे एक दूसरे को परेशान कर सके. How to torture people. कैसे लोगों को ताड़ना कर सके. How to put them down. कैसे उनको नीचा दिखा सके. How to teach them, how to make them straight. कैसे उनको सीधा बनाए, कैसे उनको सिखा सके. They will make you afraid of them. और वो आपको उनके प्रति आपको वो डर फैलाएंगे. Fathers don't produce fear in you. पिताएं कभी भी आपके मन में डर का उत्पन्न नहीं करते. He is not a father. वो पिता नहीं है. Definitely, when you are a baby, definitely you need to fear your father. और जब आप एक बच्चे होते हो तो निश्चित तौर पर अपने पिता के प्रति आपको डर लगता है. Otherwise, how will you learn? Unlearn many things, beautiful things we do in the childhood. नहीं तो ये जो सुंदर बातें जो हम अपने बचपन में हम करते हैं, वो कैसे हम उसको अपने मन से निकाल लेंगे? When I was a small boy, I had a very beautiful habit. मैं जब एक छोटा बच्चा था, तो मैं एक सुंदर सा आदत मुझे था. Anybody has 1 rupee coin, I'll take it. किसी के पास भी 1 rupee का coin मुझे दिखाई दिया, मैं उसे ले लेता था. One day I took 5 rupee note. एक दिन मैंने 5 rupee का नोट उठा लिया. It became a huge figure. It went to the principal. और ये जब ये पैसा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये बातें principal तक पहुँच गई. Such noble habits, how it will go? ये इतने भले आदतें कैसे जाएगी? हाँ, when you love to see. जब आपको बहुत ही प्रेम आता है ऐसे देखने में. हाँ, when you love to steal. आप जब चोरी करने में आपको पसंद आता है. हाँ, so. My father knows how to treat. He treated me so well. मेरे पिता जानते थे कैसे सही व्यवहार करना है. बहुत अच्छी गई. ऐसा अच्छा ट्रीटमेंट मुझे दिया कि मेरी वो बीमारी निकल गई. Right, fathers should be strict sometimes. पिताओं को ऐसे strict बनना है कई बार. But definitely fathers are so generous. निश्चित तौर पे लेकिन जो पिताएं हैं वो उदार मन के होते हैं. You cannot be strict with a grown-up son or a grown-up daughter. एक बड़े जो बेटे या बेटियों के प्रति आप ऐसे strict नहीं बन सकते. Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? Tell your neighbor, I am learning something. अपने पड़ोसी से कहो मैं कुछ बातें सीख रहा हूँ. See, I am teaching you. मैं आपको सिखा रहा हूँ. Nobody will teach you this. कोई भी ये बातें आपको सिखाएगा नहीं. I know many of you. You need to become fathers in your mind. और आप में से कईयों को मैं जानता हूँ. आपको अपने मन में एक पिता बनना है पहले. Young boys, you become a father. जवान जो लड़के हैं, आप एक पिता बन जाएं. Young girls, you become a father. जवान लड़कियाँ जो हैं, आप एक पिता बन जाएं. Become broad-minded.
आपका मन विशाल बन जाए, let your heart be expanded. आपका हृदय बहुत बड़ा बन जाए, don't compete with people. और लोगों के साथ आप स्पर्धा ना करें. Yeah. Be a father. एक पिता बन जाए, don't be an elder brother. आप एक बड़े भाई के समान व्यवहार ना करें. There are a lot of standards. There is a standard of holiness. और पवित्रता का एक स्थान है. There is a standard of holiness. There is a standard of love. और प्रेम का एक स्टैंडर्ड है. But let me read your beautiful example. Let's turn to Luke chapter 15. लूका का सुसमाचार 15वें अध्याय को देखें. लूका का सुसमाचार 15वां अध्याय. Okay. Here he talks about a parable of the prodigal son or a lost son. और यहाँ पे उड़ाऊ पुत्र के बारे में, यहाँ खोए हुए पुत्र के बारे में एक दृष्टांत दिया है. Okay. There are three characters. One is a father, one is an elder brother, one is a younger brother. और यहाँ पे तीन ऐसे लोग हैं, एक पिता है, एक है एक उड़ाऊ पुत्र है और एक बड़ा भाई भी है. We start as a younger brother. और हाँ, शुरुआत हम इस उड़ाऊ पुत्र से या जो छोटा भाई था उससे शुरुआत करते हैं. We start as a, all of us are younger brother. We cheat everybody and we run away from the father. And now we come back. हम सब भी ये छोटे भाई के समान, हम लोगों को हम धोखा देते हैं, हम लोग झूठ बोलकर वहां से चोरी करके भाग जाते हैं, फिर वापस लौटे हैं. So the second son is all outside the world. Everybody is second son. और जो दूसरा बेटा है वो तो सारे लोग हैं जो इस दुनिया में दिखते हैं, जो यहाँ सारे इर्द गिर्द आपको दिखेंगे. But do you know what is the shocking thing? लेकिन सबसे बड़ा शॉकिंग बात क्या है आप जानते हो? Church is full of elder brothers. कलीसियाओं में ऐसे बड़े भाइयों से भरे हुए हैं. Church is full of elder brothers. कलीसिया में ऐसे बड़े भाइयों से सारा खोल के बोलेगा क्या क्या गलती किया वो लड़की वो लड़का क्या ये किया वो किया सभी बोलेगा. हुआ तो आप कौन है? Elder brothers. बड़े भाई. But the church should be full of fathers. लेकिन कलीसिया को पिताओं से भरना है. Tell your neighbor, you should be a father. अपने पड़ोसी से कहे तुम्हें एक पिता बनना है. Especially the women should tell the husband, you be a father. खास तौर पर जो स्त्रियां हैं, आप अपने पतियों को कहे कि तुम एक पिता बनो. Yeah. Women should tell the husband, be a father. स्त्रियों को अपने पति से कहना है कि तुम एक पिता बनो. I want to ask all the women. You know, many men, they carry a mantle. I'll say this. Many men, they carry a mantle upon them. और कई सारे जो पुरुष है वो ऐसे एक अभिषेक को लेकर चलते हैं. And the first one to identify a man, that mantle, is his wife. और जो पहले व्यक्ति जो उसे पहचान लेता है वो उनकी पत्नी ही है. Definitely. निश्चित तौर पर. Many wives don't recognize the mantle her husband is carrying. और कई सारी पत्नियां अपने पति वो उनके पति जो अभिषेक को लेकर वो चल रहे हैं उसे वो पहचान ही नहीं पाते. When she doesn't recognize, nobody will recognize. जब वो स्वयं पहचान नहीं पाती कि उनके पति पर क्या अभिषेक है तो दुनिया में कोई भी उसे पहचान नहीं सकेगा. Young wives less than 40 years of old, can you see your hands? जवान जो पत्नियां यहां पे हैं, अगर आपकी उम्र 40 साल से नीचे है, आपके हाथों को दिखाएं. Hey, I'm talking to you. Why are you looking there? Young wives. जवान जो पत्नियां हैं. Your first business is to identify the mantle your husband is. आपका पहला काम यही है कि वो आप पहचान सके कि आपके पति पर क्या अभिषेक है. I am saying something very deeper sentence. ये बहुत ही. Many women don't know this. कई सारी पत्नियां ये नहीं जानते. When they don't know this. और क्योंकि जब वो नहीं जान पाते. They bring Genesis 3 inside their home. उत्पत्ति तीसरे अध्याय को अपने घर पर वो फिर से स्थापित करते हैं. That is the end of that house. और उस घर का वहीं पर खात्मा हो जाता है. Let's come back. हम वापस लौटेंगे. Okay. You need to be a father. आपको एक पिता बनना है. God wants all the elder brothers to become fathers. और जितने भी बड़े भाई हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप पिता बन जाएं. What was this older son doing? ये बड़ा भाई यहाँ पर ये दृष्टांत में क्या कर रहा था? Verse 25. और 25वां वचन. Older son was in the field and he came and drew near to the house. He heard music and dancing. So he called one of the servants and asked. What are these? What is this meaning? They said to him, "Your brother has come,
And because he has received him, because he has received safe and sound, your father has killed the fatted calf. But the elder brother was angry and would not go in. You saw the elder brother. इस बड़े भाई को देखे, परंतु उसका बड़ा भाई खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। उसने एक दास को बुलाकर पूछा कि यह क्या हो रहा है। उसने उसे उत्तर दिया, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने सबसे मोटे बछड़े को कटवाया है, और इसलिए कि वो भला चंगा पाया है। यह सुनकर उसको क्रोध से वो भर गया। द फादर इज हैप्पी, पिता जो है वो बहुत खुश था। See verse 24, 24वें वचन को देखें। They began to be merry, कि वो आनंद मनाने लगे। They began to be merry, वो आनंद मनाने लगे। But this elder brother began to be angry, लेकिन ये जो बड़ा भाई था वो क्रोधित होने लगा। How sweet, कितना मधुर बात है। How sweet, कितनी मधुरता, बड़ी बात है। ऐसा एल्डर ब्रदर हमारा बीच में रहेगा, he is angry. ये बड़े भाई अगर हमारे साथ रहते हैं वो गुस्से में रहते हैं। You know why he is angry? क्या आप जानते हो वो क्यों गुस्से में है? Injustice. क्योंकि अन्याय हुआ है। Injustice हुआ है। अन्याय हुआ है। वो पापी था। वो पापी थी। उसको कैसा पदवी दिया। I want to promote all the papis of this place. जितने भी पापी आया बैठे उनको आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं मैं। पापी देखो, वो पापी आया, वो आदमी अंगूठा दे दिया। अंगूठी, अंगूठा, I'll tell you this, अंगूठा means अंगूठी, अंगूठी ना, अंगूठा स्तंभ ऐसा भी है क्या? Sorry. What is this? अंगूठी, अंगूठी। He gave ring. Decision making power. ये अंगूठी का अर्थ है कि वो निर्णय लेने की सामर्थ। How you can give? ये कैसे दे सकते हो? His life only is not right. उसकी जिंदगी ही ठीक नहीं थी। How you can give decision making authority? ऐसे निर्णय लेने का अधिकार उसे कैसे दे दिया? That is the father. ये एक पिता है। Father knows. पिता जानता है। That's why father knows better than us. और इसलिए पिता हमसे बेहतर हम बातें जानता है। I know. मैं जानता हूं। Because I'm a father, I know many things. क्योंकि मैं एक पिता हूं, मैं कई सारी बातों को जानता हूं। Please let us not become an elder brother. हम में से कोई भी एक बड़े भाई के समान व्यवहार ना करे। Let us become a father. हम एक पिता बन जाए। See when everybody is happy, this guy was angry. जब सारे लोग खुश थे, ये व्यक्ति बहुत गुस्से में था। How? कैसे? He is a believer. वो तो विश्वासी है। He lived with the father. वो पिता के साथ जी रहा था। So many years. कितने सारे साल? No change. कोई बदलाव नहीं आया। In fact, one theologian is saying, "This is the elder brother who is a prodigal son." एक theologian इस प्रकार कहता है कि ये जो बड़ा भाई है सचमुच तो उड़ा पुत्र यही है। How true? कितनी सत्य की बात है। Today churches are divided, believers are divided. आज कलीसिया बटे हुए हैं, विश्वासी जन बटे हुए हैं, परिवार बटे हुए हैं। Brothers are divided, भाइयों के बीच में बटे हुए, बहनें बटे हुए हैं। Where are the fathers? पिताएं कहां पर है? Everybody is an elder brother. सारे लोग बड़े भाई बन के बैठे हैं। The church has elder brothers. That church. कलीसिया में बड़े भाई बने। ये परमेश्वर का राज्य नहीं है ऐसी कलीसिया। God wants the fathers. परमेश्वर चाहता है कि पिताएं हों। God wants kind people. परमेश्वर चाहता है कि करुणा से भरे हुए लोग हो। Be kind to the unthankful. और जो आपका धन्यवाद नहीं मानते उनके प्रति आप करुणा दिखाएं। Be kind to the unthankful. और जो आपके आपको धन्यवाद नहीं मानते उनके प्रति आप कृपालु बने। Look at this verse 28. 28वें वचन को देखें। Elder brother was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him. और यह सुनकर उसका बड़ा भाई क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसको मनाने लगा। How beautiful. कितनी सुंदर सी बात है। Because he was angry, he was trying to pacify. और ये गुस्से में था तो उसे मनाने लगा।
So today, how many people you are manavai? Today there are many people angry ho jate. Aaj kai sare log gusse mein bhare hue bahut dikhenge aapko. We have to plead with them. Don't be angry. Hamein unhe manana padta hai ki tum gusse mat ho jao. They have a reason to be angry. Unke paas unka karan hai kyun gusse mein hai. They are angry with me. वो मेरे साथ गुस्से में है। angry with Jerin, और इनके साथ गुस्से में है। is in authority. और कोई अधिकार में है उनके प्रति वो गुस्से में है। They are angry with each other. और एक दूसरे से जो यहाँ उनसे गुस्से में है। I just plead to all the people. और मैं केवल उनको मनाने की कोशिश करता हूँ कि तुम गुस्से में मत रहो। don't do this. तुम ऐसा मत करो। Never be angry in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में तुम गुस्से में ना रहो। Be angry with the devil. और शैतान से तुम गुस्से में रहो। Why are you angry with the small? Sometimes big men are angry with small people. कई बार बड़े ऐसे लोग होते हैं जो छोटे बच्चों से वो गुस्से में हैं। Huh? What is the use of you being a mature man? आपका ऐसे एक मैच्योर आदमी बनने का क्या उपयोग है? आज ये जवान आदमी को you are not accepting young girls, you don't accept. और जो जवान लोग हैं आप उन्हें ही स्वीकार नहीं पा रहे। What is the use of our life? तो इसके हमारे जीवन का ही क्या उपयोग? We behave like babies. आप तुम बच्चों के समान बर्ताव कर रहे हो। We want to call us as a father. और हम चाहते हैं कि सारे लोग हमें एक पिता कर पुकारे। How is your behavior? आपका बर्ताव कैसे है? आप भी बोलो। यदि माई तुम्हारे जैसा बिहेव करेगा तुम बैठ के सुनेगा मेरे बात? You should be a father. आपको एक पिता बनना है। You should be a father. You आपको should repent. पिता बनना। आपको पश्चाताप करना है। You are not here to judge anybody. आप किसी को भी यहाँ पर दोषी ठहराने के लिए नहीं हो। If you feel they are wrong, you tell them, hey boss, ये सब मत करो। अगर आपको लगता है कि वो गलत है आप उन्हें कहे कि तुम ऐसे काम मत किया करो। And all the dirty job, give it to me. I will do it very nicely. और जो भी ऐसे खराब काम है वो मुझे दे दो मैं उसे अच्छे से कर लूंगा। यू आर हियर टू लव ईच अदर। आप यहाँ पर एक दूसरे से प्रेम करने के लिए हैं। डिसिप्लिन कम्स ओनली विद अ पास्टर। ओनली पास्टर कैन डिसिप्लिन नीदर। और कुछ बातों को अगर सही करना है वो पासवान को एक काम सौंप दो वो उन्हें काम कर लेंगे। वो डर्टी काम है वो मैं ही करें। और ये जो खराब काम है ये कर लेंगे। इधर आप लोग प्यार करने के लिए आते हैं। किसी को देखेंगे प्यार करो। Hallelujah. Verse 20. 20वें वचन को देखें। Verse 20. 20वें वचन को देखें। I think we should underline this. इसे हमें निशान बनाकर रखना है। Verse 20. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his face and kissed him. 20वां वचन कहता है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और उसे बहुत चूमा। You understand how much God loves people? क्या आप समझ पा रहे हो कितना अधिक परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है? Where is the judgment? यहाँ पे कौन कहाँ पर है दोषी? Where is the punishment? और यहाँ पे दंड देना कहाँ पर है? Where is the criticism? और यहाँ पे किसी के बारे में गलती निकालना कहाँ पर है? Look at the behavior of a father. एक पिता कैसे बर्ताव करता है देखिए। He ran. वो दौड़ा। How can we be mean to someone? Whom God love him this much. और हम ऐसे एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर इतना अधिक प्रेम करता है उसके प्रति हम कैसे दुर्व्यवहार करें? Some of the young boys and girls who are living in sin. कुछ जवान लड़के या लड़कियां वो पाप में रह रहे हैं। God loves them so much, this much. और परमेश्वर उनसे इतना अधिक प्रेम करता है। Who are we? तो हम कौन हैं? Who are you? आप कौन हैं? Who am I? मैं कौन हूं? When God loves them this much. जब परमेश्वर उन्हें इतना अधिक प्रेम करता है। If you don't like you, get off. अगर आप उन्हें पसंद नहीं तो आप निकल जाएं। But God is in the business
of loving people. लेकिन परमेश्वर इस व्यापार में है कि वो लोगों से प्रेम करे. God loves people. परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है. No matter what they did. चाहे उन्होंने कुछ भी क्यों ना किया हो. God loves. परमेश्वर उनसे प्रेम करता है. God loves the young boys and girls. परमेश्वर इन जवान लड़कों और लड़कियों से प्रेम करता है. God loves the entire world. जो सारी दुनिया से प्रेम करता है. इस शहर से परमेश्वर प्रेम करता है. Nobody will love the young people of the city. कोई भी इस शहर के जवानों से प्रेम नहीं कर पाता. Politicians will use them. और जो 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 राजनीतिक दल के लोग हैं, वो उनका इस्तेमाल करते हैं. But God will love them. लेकिन परमेश्वर उनसे प्रेम करता है. God loves the people. परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है. How beautiful. कितनी सुंदर बात है. How beautiful. Today. कितनी सुंदर बात है. It is God's heart's desire that every one of you become like Him. आज परमेश्वर की इच्छा है कि आप में से हर एक उसी के समान बन जाए. You become like Him. You love people. How a father will love. This is how you should become. कैसे पिता परमेश्वर है उसी प्रकार आपको. We are concerned about my money, मेरा ये मेरा. You become like a father. और हम निरंतर कई अन्य विषयों में चिंता करते रहते हैं, लेकिन आप पिता परमेश्वर के समान बने. World is full of lost people. और ये दुनिया खोए हुए लोगों से भरे हुए हैं. Let us pray, Lord, let the young people come to Jesus. हम ऐसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये जवान लोग मसीह यीशु में आए. Let every young man come to Jesus. जो जवान लोग हैं वो सारे यीशु में आए. Let every young lady come to Jesus. हर एक वो जवान स्त्री वो यीशु में आए. And I will be a father.